विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आज के ही दिन 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट काक ने माइक्रो बैक्टीरिया की खोज की थी और उन्होंने घोषणा की थी कि टीबी का रोग एक बैक्टीरिया कीटाणु से होता है और जब उनका खोज के 100 वर्ष पूरे हो गए तो 1982 से विश्व संघ संगठन ने 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाना शुरू कराया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त किया जाए। उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्यकर्मी टीबी से ग्रसित बच्चों को गोद लेने की परंपरा कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत दो प्रतियोगिता किया गया, वाद विवाद प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता। उन्होंने कहा कि निबंध लेखन प्रतियोगिता का विषय था क्षय रोग समाज में एक समस्या थी और एक समस्या है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने अपने कार्यालय पर 7 बच्चों को गोद लिया तथा गोद लेने के बाद बच्चों को व उनके परिजनों को जो समस्या होती है उसका निवारण किया जाता है तथा साथ ही साथ प्रत्येक माह जो सामग्री है दाल, मूंगफली, गुड़, प्रोटीन पाउडर, फल इत्यादि वितरित करता हूँ और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने सभी मरीजों को स्वस्थ और सुखी रखने का प्रयास करूँगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा देखिए आज विश्व क्षय रोग दिवस है। आज ही के दिन 1882 में रॉबर्ट कॉक ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी का कारक होता है इसकी खोज किया था और उन्होंने घोषणा की थी कि टीबी जो है दैवीय पाप के वजह से नहीं होता है, यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया को खोज किया था। और जब उनका जो है खोज के 100 वर्ष पूरे हो गए थे तो 1982 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज 24 मार्च के दिन को जो है विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाना शुरू कराया और इसका उद्देश्य ये होता है पूरे समूचे विश्व में जागरूकता फैले टीबी के विरुद्ध। आज इस परिवेश में इसका एक महत्व और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को टीबी मुक्त करने की घोषणा 2025 में की है। यह घोषणा अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पूरे विश्व ने 2030 में विश्व को टीबी मुक्त करने की घोषणा की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे 5 वर्ष पहले किया। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए सभी लोग कर रहे हैं। आज के हम कार्यक्रमों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम प्रातःकाल हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने रॉबर्ट काक के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई गई। इसके पश्चात हम लोगों ने एक टीबी की शपथ ली। टीबी की शपथ लेने के पश्चात हम लोगों ने एक जन जागरूकता रैली को निकाला गया और उसके पश्चात जो है हमारी राज्यपाल महोदया की एक आदर्श मुहिम है जिसमें टीबी से ग्रसित बच्चे, महिलाएं, पुरुष को गोद लेने की परंपरा उन्होंने डाला है उसकी में हम लोग जिलाधिकारी महोदय ने बच्चों को गोद लिया, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय ने लिया, हमारे CDO साहब ने लिया, हमारे ADM साहब ने लिया और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो चाहे ज़िले के हैं चाहे मुख्यालयों पर हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सब लोग बच्चों को गोद लेने की परंपरा कर रहे हैं। और उसी के इसी कार्यक्रम के तहत अभी हम लोगों के दो प्रतियोगिताएं और चल रही हैं, एक वाद विवाद प्रतियोगिता और एक निबंध लेखन प्रतियोगिता है। वाद विवाद प्रतियोगिता का हमारा विषय है वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन कैसे कराया जा सकता है। निबंध प्रतियोगिता का हमारा विषय है क्षय रोग एक सामाजिक समस्या थी और एक सामाजिक समस्या है, तो इस पर हम लोग जो है अभी चल रहा है और अभी थोड़ी देर में इसका भी परिणाम आ जाएगा। इसमें हम 3 बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों का जो लोग इसमें सम्मानित होंगे उनका सम्मान समारोह होगा
और हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत को टीबी मुक्त 2025 में बनाना है, और हम लोग निश्चित रूप से उसमें अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। और हम लोगों की भी यही इच्छा है कि उत्तर प्रदेश टीबी मुक्त हो, गोरखपुर टीबी मुक्त हो, साथ ही साथ हमारा देश टीबी मुक्त हो। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, हम सब ने ठाना है भारत को टीबी मुक्त बनाना है। सर आपने भी गोद लिया? जी, मैंने भी बच्चों को गोद लिया है। अभी मैंने यहाँ 7 बच्चों को मैंने गोद लिया है, और गोद लेने में हम लोग तो गोद लेते हैं बच्चों की, जो समस्याएं होती हैं उनके परिजनों की होती है उसको निवारण करते हैं, विभाग से दवाओं में करते हैं, साथ ही साथ उनको प्रत्येक माह न्यूट्रिशन से जो संबंधित हैं दाल, चना, गुड़, मूंगफली, तिल, प्रोटीन पाउडर्स, फल इत्यादि वितरित करता रहता हूं। और ये करता हूं कि जितना अगर मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने मरीजों को भी स्वस्थ और सुखी रख सकूँ।